वेलकम बैक टू माय चैनल माय वे माय स्टाइल। जी आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष कटहल की रेसिपी। सभी अपने अपने स्टाइल से कटहल की सब्जी बनाते हैं। आप मेरे तरीके से भी एक बार देखें मैं किस तरह से बनाती हूँ। चलिए बनाने से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बनाई है, आप देख लीजिए। अब बनाते हैं इस तरह से। थोड़ा सा मैंने तेल हाथों में लगा लिया है क्योंकि कटहल जब भी हम काटते हैं तो वो हाथों में चिपक जाता है। तेल लगाने से ये हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। और अब हम इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। कटहल थोड़ा सा मुश्किल से कटता है लेकिन कट जाता है। अभी इसके लिए मैंने लिए 3 प्याज और ढेर सारा गार्लिक। इन्हें भी अच्छे से छील कर काट लेंगे। ये देखिए मैंने प्याज को मोटे मोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया है। ये देखिए इन्हें इसी मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है, हमें इसे पीसना नहीं है। इसी तरह से हमें लहसुन को भी मोटे मोटे स्लाइसेस ही कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से लहसुन को मोटे मोटे स्लाइसेस में कन्वर्ट कर दिया है। जी अब आगे चलते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 चमचा तेल लिया है और तेल गर्म होते ही जीरा डाल दिया है। जीरा जैसे ही भुनने लगेगा मैं यहाँ हींग डाल दूंगी। इन दोनों को अच्छे से भुनने देंगे। उसके पश्चात मैं यहाँ पर लहसुन के टुकड़े डाल दूंगी और इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे। अगर इसी स्टेज पे प्याज डालें तो ये लहसुन नहीं भून पाता उतना अच्छे से, इसलिए पहले मैं यहाँ पर लहसुन को थोड़ा क्रंची होने दूंगी। उसी के बाद मैं यहाँ डालूंगी प्याज। जी ये देखिए ये प्याज मैंने जितना मोटा काटा था उसी अवस्था में ही इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि वो ब्राउन ना हो और ब्राउन होने की स्टेज पर आ जाए। ये आप देख सकते हैं और मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है। अब मैं यहाँ डालूंगी टमाटर। टमाटर को मैंने काट लिया था। यहाँ नमक डाला है ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। नमक इसमें गलाने का काम करता है। मैं नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब यहाँ डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए हल्दी डाल देते हैं और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने इसी करछी का इस्तेमाल किया है, ये आप देख सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी बीच ये फ्राई भी हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ कटहल कटा हुआ। जी ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ना भूना है ना तला है ना इसको उबाला है, सीधा ही मैंने यहाँ इसको डाल दिया है। अब मैं इसे यहाँ अच्छे से फ्राई करूँगी। इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा ढक दूँगी। ढकने के बाद देखती हूँ कि ये है स्टीम में थोड़ा सा गला है और मैं इसे फिर से चलाऊँगी और इन्हें अच्छे से चलाऊंगी ताकि जो भी मैंने मसाले इसमें डाले हैं वो मिक्स हो जाएं और मिक्स हो जाएं। जी अब मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च है और ये लाल मिर्च है हमारी लाल मिर्च है। जी इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। यहाँ पर लाल मिर्च और हरी मिर्च कुछ भी पहले नहीं डाला है क्योंकि ये सब डालने के बाद तीखी स्मेल आने लगती है और हमारी सब्जी ठीक से फ्राई नहीं हो पाती है। अच्छे से फ्राई करने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल बाद में किया गया है। अब मैंने यहाँ पर जब मिर्च डाली है तो मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी, फ्राई करूँगी और फिर से ढक दूँगी। इनको अच्छे से ढकेंगे और फिर से एक बार अच्छे से चला लेंगे। ये आप देख सकते हैं सभी कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है। और मैं अब यहाँ पर डालूंगी पानी। पानी मैं थोड़ा ही डालूंगी, बस मुझे ये गला हुआ चाहिए, मुझे ग्रेवी यहाँ पर रखनी नहीं है। अब मैं फिर से एक बार इसे ढक दूंगी पानी डालने के बाद। और जब मुझे सौंधी सौंधी खुशबू आए तब मैं इसे उठा लूंगी।
यहाँ मुझे इसी स्टेज पे उठाना था। आप देख सकते हैं कढ़ाई में हल्का सा मसाला भुना हुआ है और इस मसाले की स्मेल दूर से ही आने लग जाती है, तो पता चल जाता है कि हमारी कढ़ाई में किस प्रकार से सब्जी कितनी बन गई है। कटहल गल चुका है, अच्छे से गल गया है, आप यहाँ देख सकते हैं वो इतना ही गलता है और अब बहुत अच्छे से बन गया है। मैं यहाँ ये आप देखिए, बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार कलर आया है और अच्छे से बना है। अब मैं यहाँ पर डालने जा रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च। जी हाँ, मैंने हरी मिर्च डाली है, आप इसे ना पसंद करते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक बार ढकूंगी, वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि जो मैंने हरी मिर्च डाली है वो थोड़ी सी नम हो जाए और खाने में स्वाद बना रहे। ये बिलकर अब बिल्कुल तैयार है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये अच्छे से भुन रही है ऐसे प्रतीत होता है। मैं इसे अब चला लूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। जी देखिए, हमारा कटहल कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।